मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मगर अब कहाँ उगल रही है? एक्चुअली जहाँ देखो वहाँ एक घास उग रही है पूरे भारत में। दिस वीड हैज रिड्यूस्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडियन सॉइल बाय अराउंड 50%। भारत की जमीन की पैदावार को इसने 50% कम कर दिया है सिंस 1950। एंड दिस वीड हैज इन्फेस्टेड अराउंड 400 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। इस वीड ने, इस घास ने हमारे देश की करीब 400 लाख हेक्टेयर जमीन पर ये उग गई है। द नेम ऑफ दिस वीड इज पार्थिनियम हिस्ट्रोफोरस। इस घास का नाम पार्थिनियम हिस्ट्रोफोरस है, जो कि हिंदी में गाजर घास के नाम से भी जानी जाती है। आपने देखा होगा हर जगह पर यह उग रही है। और इस घास का एक पेड़ लगभग 20,000 सीड्स, 20,000 बीज पैदा करता है। दिस वीट प्रोड्यूसेस अराउंड 20,000 सीड्स पर प्लांट एंड विच कैन बी ईजली बी डिस्पर्स्ड इन द एयर एंड इट ग्रोज वेरी फास्ट। सो इट इज अ वेरी न्यूसेंस वीड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग वीड एंड फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वीड। एंड वेन यू कट दिस वीड इट रीग्रोज वेरी फास्ट। जब आप इसको काटते हैं तो ये दोबारा से बहुत तेजी से ग्रो हो जाती है। इसलिए इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर इसको ख़त्म करना होगा। कैसे? एक दूसरे को इस ज्ञान को बांटना होगा। अगर हम इस तरह नहीं कर पाएंगे तो एक दिन हमारी पैदावार बहुत घट जाएगी। दिस वीड कंटेन्स ए टॉक्सिन नोन एज पार्थिनिन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डर्मेटाइटिस इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। एंड सो एनिमल्स डोंट ईट दिस एंड दिस इज ऑल्सो फाउंड टू प्रिस्ट्रेट अस्थमा एंड एलर्जिक रिएक्शन इन बोथ मैन एंड एनिमल। क्या नाम क्या है इसका? इस घास के अंतर्गत एक जहरीला रसायन होता है जिसको पार्थिनिन कहते हैं, जिसके कारण अगर आदमी इसको उखेड़े या हाथ पे इसका रस लग जाए तो उसको एक त्वचा की बीमारी हो सकती है, डर्मेटाइटिस कहते हैं। और जिन लोगों को सांस की बीमारी है उस सांस की बीमारी को इसके पोलन एग्रवेट करते हैं, मीन्स बढ़ाते हैं। 1990 के आसपास, 1990 के दशक को याद कीजिए, उस समय हमारे देश में एक चिड़िया भी हुआ करती थी जिसको हम गौरैया कहते हैं, और वो हर जगह पे इतनी ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन वो भी हमारे देश से बहुत कम हो गई है। इफ़ यू रिकॉल दोज डेज इन अराउंड 1990 देयर वाज अ बर्ड नोन एज स्पैरो विच वाज फ्रीक्वेंटली सीन इन इंडिया, बट नाउ दिस हैज ऑल्सो नॉट सीन एंड इट इज एंडेजेंट। आई हैपन टू फाइंड दिस वन or two birds there in this village and so I shooted them also. खाने दो। ये जो घास है इसको हम बहुत आसानी से हमारे देश से निकाल सकते हैं, लेकिन इस सब के लिए हमको हमारे सब लोगों के एफर्ट चाहिए। और उस एफर्ट से भी पहले हमें चाहिए एक ज्ञान और नॉलेज। जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि ये इस घास को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम इसको जड़ से उखाड़ें, और बीज आने से पहले, फूल आने से पहले इसको जड़ से उखाड़ कर उसको जला दें। हमारे देश में गवर्नमेंट ने भी कुछ एफर्ट किए हैं जिससे कि एक बग को, एक कीड़े को बाहर से हमने लेकर आए, जिसका नाम है जाइगोग्रेमा बाइकल्वेटा। ये जो कीड़ा है मैंने तो पहली बार ही देखा, इसके मुझे उम्मीद भी नहीं थी यहाँ मिल जाएगा, काटता है और इस तरह से इस वीड को वो इसमें भी घास ही बहुत होती है अपने खेतों में, फर्दर मतलब पैदा होने से रोकता है। लेकिन अगर हम, कई बार देखा गया है खेतों पर ज़्यादातर हम इंसेक्टिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण ये मर भी सकता है, और इस तरह इस घास की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस वीड हैज कैन बी एलिमिनेटेड
from our country by the combined effort for all of us, by spreading the knowledge and by uprooting it and burning those tall grass. Government did an effort by importing a bug known as Zygogramma bicolorata, which eats this weed. But if you will use insecticide, it may kill all those bugs. और भारत को इससे मुक्त करने के लिए इस ज्ञान को सब जगह फैलाएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम अपने देश की ज़मीन को, उसकी पैदावार को बचा सकें। जय हिंद। क्या नाम है इसका? नाम को पता नहीं इसका, हम तो लकड़िया घास कहते हैं। लकड़िया घास कहते हैं हम तो। अच्छा, पता है इसके बारे में? जानवर खा लेते हैं इसे? ना, मुमाल ले कभी, कड़वी होती है। और खेती में क्या फ़ायदा है इससे, नुकसान है? नुकसान क्या नुकसान करती है? ज़्यादा हो जाए ना तो एक सबको भी नहीं होने देती है, ये जड़ पीली बनाती है। जो खेती है ना उसकी पैदावार को कम करती है 50% तक, ठीक है। और ये बीमारी भी करती है कई जानवरों को भी, खा ले तो और आदमी के भी अगर ऐसे तोड़े तो। और ये बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से। 1950 से ये आई थी बाहर से, तो उसके टाइम से ना ये, और बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसके एक पेड़ पे 10,000 के आसपास ये बनते हैं, इसके बीज 10,000 से 20,000 बीज बनते हैं जो कि फैल जाते हैं। तो इसका भारत से अगर ख़त्म करना है इसको, तो सबसे अच्छा तरीका ये है इसके फूल आने से पहले से हाँ पूरा उखेड़ दो। अगर काटोगे भी तो ये दोबारा जमाती है, उखेड़ के जला दो, ये इसका सबसे वो तरीका है। तो इस जानकारी को ना गांव में हर आदमी को फायदा हो, जब गांव के हर आदमी को ये बात पता होगी तो तभी इससे हम निजात पा पाएंगे, वरना ये भारत की जमीन को, पैदावार को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देंगे। इसका मालूम है? ऐसे क्या मालूम है, इससे क्या होता है, फ़ायदा नुकसान इसका है कोई? ये खुजली के उसे बता दें, जैसे क्या खुजली होती है उससे पैदावार को मैं कोई असर करती है? ये पैदावार में भी करती होगी, क्या करती है बताओ, फायदा करती है नुकसान करती है? हैं, फायदा करती है नुकसान ही करती है, फायदा क्या करेगी? आहो पापा।